Hey guys, welcome back to my channel again. मैं आज जो है बिरयानी खाने जा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड चिकन, इसको चिकन कहते हैं, मुर्गा. इसका बिरयानी बनाया गया है और आज जो है बिरयानी खाने जा रहा हूँ मैं. और कुछ बातें हैं, हिस्ट्री है इसकी भी, कि मगर कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है कि ये कहाँ से आया है. कहते हैं कि ये शौक़ जो है हमारे भारत में था नहीं, बिरयानी खाने का रिवाज तो हमारे भारत में था नहीं. ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो मुग़ल लोग आए थे और जो बाहर से जो जितने भी लोग आए थे, जैसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ तक आए थे, जैसे गजनी हो गया, गौरी हो गया, और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो वह लोग जो है अपने साथ इस रेसिपी को हमारे भारत में लेकर आए. आज भारत में जो है बिरयानी का काफ़ी बड़ा क्रेज़ है, आप सबको पता ही है. ऑलमोस्ट भारत में हर प्रकार की बिरयानी आपको मिलेगा, हैदराबादी बिरयानी, चिकन बिरयानी, दम बिरयानी और पता नहीं क्या क्या बिरयानी है. तो बिरयानी का जो है पूरा क्रेज़ जो है हमारे भारत में पूरा अवेलेबल है, आपको पूरा देखने को मिलेगा. और कुछ थ्योरीज भी है. थ्योरीज ऐसा है कि ये पर्शियन लोग ने जो है कहते हैं कि इन्वेंट किया है कहीं ना कहीं इसको, और उनके कुछ शब्दों में ये आता है, ठीक है. जैसे कि तला हुआ चावल के साथ गोश्त को मिक्स करके बनाने को जो है वो लोग कुछ नाम दे दिए थे, मुझे अभी याद नहीं है क्या नाम बोलते थे. बहरहाल उसी के नाम पे जो है ये बिरयानी का नाम पड़ा था, और ऐसा थ्योरी के हिसाब से है. और भी बहुत सारे थ्योरी हैं, अब ये नहीं कह सकते कि कौन सा थ्योरी एक्यूरेट है. बहरहाल हिस्ट्री है, तो नो वन नोस कि कब क्या हुआ था. बहरहाल हम मौजूदा हालात में जानते हैं और देख भी रहे हैं, तो आइए टेस्ट करते हैं, ये आप लोगों को बताते हैं, आप लोग भी मेरे साथ इन्जॉय करिएगा. सो शुरू करने से पहले कुछ और बता दें, दिस इज़ कॉल चोखा हेयर इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे चोखा कहते हैं इसको, हम लोग इसको आलू पितिका बोलते हैं. और ये करेली है जो फ्राई किया गया है, ये तो चिकन है जो दिखाया गया है, साथ में ये राइस है जो बिरयानी है हमारी. तो गाइस मैं इंजॉय करने जा रहा हूँ भगवान का नाम लेकर, आप लोग देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉलो करिएगा इसमें, और भगवान का नाम लेते हुए शुरू कर रहे हैं. ओके गाइस एंजॉय द मील. अलग अलग प्रकार के चावल से भी बनता है, तो मेरे ख्याल से चावल के फ्लेवर की वजह से भी जो है बिरयानी का अलग अलग शायद फ्लेवर बनता हो. ये नॉर्मल राइस है, चिकन तो ये नॉर्मल राइस से ही बनाया गया है, बिल्कुल ठीक है, खाने में अच्छा. लास्ट वीडियो में अभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला है, प्लस प्रॉपर सेटअप नहीं है मेरे पास, तो जैसे मैं तैसे बना रहा हूँ. अभी आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है आगे जाके मैं कुछ ना कुछ करूँगा, बस आप लोगों का प्यार ही है जो आगे बढ़ाएगा. अब ये पहला कोशिश है, ट्राई है. सो लास्ट टाइम भी वीडियो में जो है थोड़ा कट गया था, उम्मीद है कि इस बार जो है पूरा आप लोगों को देखने को मिले. ठीक, ये मैं खा रहा हूँ. चिकन है, तो अगर आपको भी कुछ समझ में आया है तो लाइक करिएगा, अब हर चीज़ का अपना अपना एक हिस्ट्री होता है.
जैसे इसका मैंने अभी अभी बताया था। अब कितना हद तक सही है ये तो कोई नहीं जानता, हिस्ट्री है भाई। इलायची इसके आने लगा, इसके कॉम्बिनेशन अच्छा है। आलू पीने का करेले के साथ मेरे ख्याल से आज तक ट्राई नहीं किया होगा ज़्यादातर लोग, मैं ट्राई कर रहा हूँ करेले के साथ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में साउंड आ रहा होगा, रोड के किनारे पे ही घर है मेरा तो इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है, माफी चाहूँगा इसके लिए। बुरा नहीं है, आप लोग ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिएगा करेले के साथ। आप लोग क्या बोलते हैं, मैं करेले ही बोल रहा हूँ, करेला भी बोलते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो जिसको बीटर गॉर्ड कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, उसी के साथ बिरयानी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, एक अलग प्रकार का टेक्सचर आपको मिल रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं किया था लाइफ में, तो आज कर रहा हूँ तो आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करके देखिए। अगर ख़राब लगेगा तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बहरहाल मुझे तो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, ट्राई करके देखिए। मगर करेली जो है एकदम ड्राई फ्राई रहे तो इसका कड़वाहट थोड़ा कम रहे तो अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है आप लोगों को, सर और सब कुछ ला रहा है, खाना खाना भी इतना मेहनत है, पूरा हैरान हो गया है। चिकन का पीस कुछ ज़्यादा ही ले लिया मैंने, एक्चुअली ज़्यादा खाता नहीं हूँ और कुछ महीनों से जो है पेशेंट भी बन गए हैं, मरीज बन गया हूँ शुगर का, और इसके वजह से जो है खाना
खाना पूरा सही से नहीं खा पाते हैं। मुला ब्लेड बहुत हिल रहा क्योंकि हाथ को लेके वो कर रहा हूँ, अभी प्रॉपर कोई सेटअप नहीं है तो इसका थोड़ा वीडियोस में जो है अप डाउन हो रहा है। आप देख सकते हैं मुझे, मैं हाथ से ही पकड़ा हूँ, जो खाते समय कभी पीछे हो जाता है कभी आगे हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें हाइड आउट हो जा रहा है। देख रहे हैं मैं अपने लिमिट से ज़्यादा ही खा रहा हूँ, जितना मैं नहीं खा सकता उतना खा रहा हूँ। बस ये हो गया समाप्त। मैंने तो अपना खाना खा लिया, आप लोग भी खा लीजिएगा, रात भी काफ़ी देर हो गया है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अगर कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, लाइक करना चाहते हैं लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन को जो है पर्सनलाइज कर ले, ताकि मेरा जितना भी वीडियो बनेगा वो आपको मिलता रहे। उसके लिए आप सबका प्यार और सपोर्ट चाहिए, तो जुड़े रहिए बने रहिए मेरे साथ। मैं ट्राई करते रहूँगा धीरे धीरे करके सब कुछ सेटअप करूँगा, अभी थोड़ा अटपटा लग रहा है मगर हो जाएगा, ऊपर वाला मालिक है, ऊपर वाला अगर साथ दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।